हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन ट्रीट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स बेस सूप की रेसिपी। एक साथ अनेकों सब्जियाँ इस सूप के स्वाद को तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही ये सूप बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी और हेल्दी सूप को बनाना। सूप बनाने के लिए मैंने ली हैं कुछ फ्रेश सब्जियाँ, जिनमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो लहसुन की कलियों को छोटा छोटा काट कर भी डाल सकते हैं, एक गाजर, गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, आप चाहें इसे छोटा छोटा काट कर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पत्ता गोभी जिसे मैंने महीन काट लिया है। सूप में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और लिए थोड़ी सी बीन्स जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, मटर मैंने फ्रोजन मटर ली है, आप चाहें तो हरी मटर के दाने भी ले सकते हैं, दो मीडियम साइज़ के टमाटर जिसका मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है, आपको अगर कटे हुए टमाटर पसंद हैं तो आप इन्हें कट करके भी डाल सकते हैं, और लिए हैं थोड़े से फ्रोजन स्वीट कॉर्न, ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, इसे तो आप ज़रूर ही डालिएगा क्योंकि ये सूप में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, आप इसे बटर में भी बना सकते हैं। घी गर्म हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक तेज पत्ता। इसमें सबसे पहले प्याज को डालकर थोड़ा भून लेते हैं, इसके बाद अन्य सब्जियों को इसमें ऐड करेंगे। सूप बनाने में आप सब्जियों की मात्रा को अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कोई सब्जी पसंद ना हो तो उसे आप हटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ जिन सब्जियों को लिया है, आप इनके अलावा भी अगर कोई सब्जी इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आप इनके अलावा फूल गोभी, ब्रोकली, पालक को भी काटकर इसमें डाल सकते हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें अन्य सब्जियों को भी ऐड कर देंगे, सबसे पहले बीन्स, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च को इसमें ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आप इसमें अगर काला नमक डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, इन्हें साथ में मिक्स कर लेंगे। इन सब्जियों को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, हल्का सा सॉटे करना है। ये सब्जियाँ देर में पकती हैं इसलिए 2 से 3 मिनट तक लिड लगाकर इन्हें पका लेना है, जिससे ये हल्की सॉफ्ट हो जाएं। इस समय गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। 3 मिनट हो गए हैं, सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई हैं, इसी समय इसमें जो मैंने टोमेटो प्यूरी बनाई थी उसे ऐड कर देंगे और डालेंगे मटर के दाने, इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। सभी सब्जियों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी, मैंने यहाँ 1 लीटर के करीब पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसे 5 से 6 मिनट ढककर पकने देंगे। जब तक सूप बनकर तैयार हो रहा है तब तक इसके लिए एक घोल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, आप इसकी जगह अरारोट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें पानी मिलाकर एक घोल तैयार कर लेंगे, इस घोल से सूप में गाढ़ापन आता है। अगर आपको गाढ़ा सूप पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इधर सूप को पकते हुए करीब 6 मिनट हो गए हैं तो इसे चेक कर लेते हैं। अब सूप में जो सब्जियां मैंने डाली थी वो अच्छे से पक गई हैं, तो अब इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर का घोल बनाकर रखा था उसे मिला देंगे और जला देंगे। अब देखिए कॉर्नफ्लोर से इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, ये बहुत ही कलरफुल भी दिख रहा है। अब मैं इसके टेस्ट को और ज़्यादा यम्मी बनाने के लिए इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ चिंग्स टोमेटो सूप, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसमें से केवल 1 टीस्पून लेकर इसे पानी में मिलाकर एक घोल तैयार कर लेंगे। इधर सूप अच्छे से बॉईल हो गया है, अब इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न और हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस, यह ऑप्शनल है, अगर आप नींबू डालें तो थोड़ा ही डालें क्योंकि टमाटर से भी सूप में हल्का खट्टापन आ जाता है। और अब लास्ट में इस सूप को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने जो मैजिकल घोल बना कर रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमारा डिलीशियस हेल्दी मिक्स वेजिटेबल सूप बनकर तैयार है, इसे जब चाहें आप आसानी से बहुत ही कम समय में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।